In previous lecture, we seen all characteristic of living organism. One topic is remaining, that is organization. What is organization? In all living organism, there are different different level of organization. Means के कोई भी living organism कैसे form होता है, वो step by step आपको दिया है organization. For example, small small particles combine होके बनेंगे molecules. वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बाइंड होके बनेंगे बिग मॉलिक्यूल्स. वो बिग मॉलिक्यूल कंबाइंड होके बनती है हमारे सेल की ऑर्गेनल्स. ऑर्गेनल्स मींस व्हाट? वो चाहे एनिमल सेल हो या फिर प्लांट सेल हो, वो आप डिटेल में 8th चैप्टर में पढ़ोगे. बट आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में थोड़ा बहुत पता है कि ईच सेल हैव मैनी नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स इन ईच सेल, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, राइट, रिबोसोम, फिर सेंट्रियोल्स, देन रिबोसोम के अलावा लाइसोसोम होती है, राइट. बहुत सारी ऑर्गेनल दैट आर प्रेजेंट इन ईच सेल, एनिमल सेल एंड एज वेल एज प्लांट सेल. सो वो ऑर्गेनल बनती है, वो ऑर्गेनल फिर एक ही जगह पे कंबाइन होके क्या बनेगा? एक सेल, राइट. फॉर एग्जाम्पल ये कोई सेल है, यहाँ न्यूक्लियस है, फिर गोल्गी बॉडी है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, राइट, सॉरी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, लाइसोसोम है, रिबोसोम है. तो वो सारी ऑर्गेनल कंबाइन होके सेल बनेगा. बहुत सारे सेल कंबाइन होके क्या बनेगी? टिश्यू. और ये टिश्यू एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू अलग अलग है. एनिमल टिश्यू भी आपको पढ़नी है 7th चैप्टर में और प्लांट टिश्यू भी आपको 6th चैप्टर में पढ़नी है. तो जब पढ़ोगे तब अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे प्लांट और एनिमल फॉर्म होते हैं. देन टिश्यू कंबाइन होके बनता है ऑर्गन. मीन्स के उस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस. ऑर्गेनोजेनेसिस मीन्स के फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन. हमारी बॉडी के सभी पार्ट पे जो ऑर्गन होते हैं वो ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस से बनते हैं. वो टिश्यू कंबाइन होके ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन कंबाइन होके क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम. आपको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, राइट, लिम्फेटिक सिस्टम. सभी सिस्टम कंबाइन होके बनता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो ये सारी प्रोसेस होने के बाद ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है. आपको पता होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे फॉर्म होता है. देन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है बट वो सेम टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कंबाइन होके बनता है स्पीसीज. और वो स्पीसीज कंबाइन होके बनती है बायोटिक कम्युनिटी. कम्युनिटी मीन्स वन टाइप ऑफ सोसाइटी. बट बायोटिक क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होंगे, वो चाहे प्लांट हो या फिर एनिमल हो या इंसेक्ट हो, बर्ड हो, कोई भी हो, तो उसको हम बोलेंगे बायोटिक कम्युनिटी. और वो बायोटिक कम्युनिटी अपने हैबिटेट के हिसाब से एक सिस्टम में स्टे करते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम. इकोसिस्टम मीन्स व्हाट? लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके आस पास जो एनवायरमेंटल फैक्टर है उन दोनों के साथ इंटरेक्शन होती है और जो भी सिस्टम अराइज होती है, फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड इको सिस्टम. इको फ्रेंडली जैसे बोलते हैं ना, वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर इको फ्रेंडली रहता है और जो सिस्टम फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड इको सिस्टम. ये इको सिस्टम का पूरा चैप्टर आपको 12th में आने वाला है. बायोटिक कम्युनिटी भी 12th में आपको लास्ट यूनिट में वो चैप्टर्स आएंगे. और ये इकोसिस्टम कंबाइन होके बनता है बायोस्फीयर. स्फीयर मींस एनवायरनमेंट. बायो मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास जो भी एनवायरनमेंट है, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर. तो ये टॉपिक एक बाकी रह गया था जिसको हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन. आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे. थैंक यू.